सास की सौतन। मम्मी जी, मेरी अलमारी क्यों नहीं साफ की? और तो और, आज मैंने आपको मेरे लिए खीर पूरी बनाने को कहा था ना, वो भी नहीं बनाया आपने। अब मुझे माफ कर दे बहू, दरअसल ना वो आंख लग गई थी, गोलियां खाई थी ना उसकी वजह से। मुझे कुछ नहीं पता, चलिए जाकर मेरे लिए खाना बनाइए, तब तक मैं अपना फेवरेट टीवी शो देखती हूँ। ये है सोनम और उसकी सास निर्मला। निर्मला जो कि एकदम सीधी सादी होती है, जबान पर हमेशा गुलकन और मन में सबके लिए भरपूर प्यार, स्वभाव से काफी भोली। वहीं उसकी बहू सोनम जो पूरी की पूरी टेढ़ी होती है, वो ससुराल में हर किसी को अपनी उंगलियों पर नचाती है, फिर चाहे वो उसका पति ऋषि हो, ससुर जी गोपीनाथ या फिर बिचारी सासुमा निर्मला देवी। लेकिन इस कहानी में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण बदल गया सब कुछ? आइए देखते हैं। ये लो सोनम बहू, तुम्हारा खाना। वाओ मम्मी जी, आपके हाथ से बने खाने की खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है, तो फिर इसका स्वाद तो माइंड ब्लोइंग होगा ही। सोनम खाना खाने लगती है, तभी वहां पर गोपीनाथ और ऋषि आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है सोनम? मम्मी की सुबह से तबीयत इतनी खराब है, उसके बावजूद भी तुम उनसे काम करा रही हो। प्रिय पतिदेव, लाउड स्पीकर की तरह चीखना चिल्लाना मुझे भी आता है, आवाज नीचे करके बात करो। और ये मेरी मम्मी जी हैं, इनसे मैं कैसे पेश आऊं, कैसे इनसे कितना काम कराऊं, ये सब इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? और अगर आइंदा से इस बारे में बात की तो पैन के साथ तैयार रहना, तलाक के कागज एक मिनट में रेडी कर दूंगी मैं। ना जाने किस दिशा में भटक गया था मेरा दिमाग, जो मैंने इस लड़की की शादी अपने बेचारे बेटे के साथ करा दी। आओ पापा जी, अभी अफसोस जता कि क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? अच्छा पापा जी, वो ब्रिजवा से मिष्ठान भंडार से आप और ऋषि दोनों जाकर मेरे लिए जलेबियाँ और कुल्फी ले आएंगे प्लीज। और अगर नहीं किया ना मेरा काम, तो आपको पता ही है कि ये सोनम क्या चीज है। लाता हूँ मैडम। इस तरह सोनम अपने ससुराल में सभी पर अपना हुक्म चलाती रहती, और बेचारे सास ससुर और पति इस ढीठ और टेढ़ी बहू का अत्याचार सहते रहते। मम्मी जी, आज मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं घर पर, अच्छा सा कॉन्टिनेंटल खाना बनाना, पूरे घर को ताजमहल की तरह चमका देना, और हाँ पर्दे भी धोई डालिए, बड़ी धूल सी हो गई है इन पर। ठीक है बहू, और कुछ? ना ना, इतनी भी पापी नहीं हूँ मैं मम्मी जी, जो एक 50-60 साल की बूढ़ी जान को इतना सारा बोझ वाला काम दे दूँ एक साथ। जो काम दिया है ना वही निपटा दीजिए प्लीज, ओके? बेचारी भोली निर्मला घर का सारा काम करती, उसकी तबीयत साथ ना दे फिर भी वो काम करती। सोनम की सहेलियां जब घर पर आती है तब भी सोनम अपने ससुराल वालों से काम ही करवाती है। हाय सोनम, कैसी है तू? हेलो सोनम, शादी की बात तो तेरे चेहरे पर बहुत ही ग्लो आ गया है, लगता है तुझे सास के ताने और पति की बकबक नहीं सुनने मिलती है ना। सही कह रही हूँ ना मैं? एकदम करेक्ट मेरी जान। अरे ससुराल के मामले में तो मैं फुल टू फुल लकी हूँ, इस घर में बस जरा सी धमकी दे दो इन लोगों को सारे के सारे चुपचाप काम पे लग जाते और तो और मेरी सास भीखी बिल्ली की तरह मेरी हर बात मानती है। क्या सच में? हमारे तो भाग ही फूटे हैं, लेकिन यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतना भोला और डरपोक ससुराल भी कहीं होता है क्या, जहाँ हमारे लिए ससुराल जहन्नम है इसके लिए जन्नत है भाई। नसीब अपना अपना। मम्मी जी, शरबत को रसोई से लाने गई हो या फैक्ट्री से, इतना टाइम लगता है क्या? और पापा जी, आपने मेरी फ्रेंड्स के लिए कुछ खाने को भी नहीं लाया, जाइए जल्दी से बाहर से स्नैक्स ले आइए। लेकिन बेटा बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे जड़ से
जुकाम हो जाता है ना, मैं ऑर्डर कर देता हूँ बेटा। ओफो, ऑर्डर करोगे तो उस डिलीवरी बॉय को इस तूफानी बारिश में आने के लिए 7 जन्म लग जाएंगे। आप ही चले जाइए, चलिए। पापा जी, जाते हो या नहीं? बेचारा गोपीनाथ तूफानी बारिश में भीग कर जाता है और सोनम की सहेलियों के लिए स्नैक्स लाता है। एक बार सोनम अपने कमरे में ऋषि से कहती है, ऋषि मेरे प्यारे प्यारे सुहाग, मेरे पैर में ना बहुत दर्द हो रहा है। आज दिन भर शॉपिंग मॉल में घूम रही थी ना, फिर शाम में आते वक्त मेले में भी घूमी, इसलिए इतनी सारी मेहनत करके पैरों की नसों की ना गांठ बन गई है, शायद इसीलिए दर्द कर रहा है। प्लीज़ ज़रा मालिश कर दो ना डियर। क्या बौखला गई हो क्या? मतलब? अच्छा, तो अब तुम्हें मेरे पांव छूने में भी दिक्कत है। एक बीवी बराबर अपने पति का पांव छूती है कड़वा चौथ को, व्रत रखती है, और एक पति। अरे नहीं नहीं वैसी बात नहीं है सोनम। फिर क्या, ना चाहकर भी ऋषि को सोनम के पैरों की मालिश करनी ही पड़ती है। ऐसे ही अपनी इन बुरी हरकतों से सोनम ने निर्मला, ऋषि और गोपीनाथ के नाक में दम कर रखा था। एक दिन अचानक से गोपीनाथ अपने साथ एक नई नवेली दुल्हन को ले आते हैं जो उसी की उम्र की होती है। वेलकम करो चंद्रिका का। चंद्रिका को देखकर सभी चौंक जाते हैं। चंद्रिका, ये कौन है पापा जी? और आप दोनों के गले में ये वरमाला? पापा, आपने दूसरी शादी कर ली? हाँ बच्चों, मैंने दूसरी शादी कर ली। अब से ये तुम्हारी नई सास है सोनम। आरती की थाल लाओ और स्वागत करो इसका। ये आपने बहुत बुरा किया है जी, मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। निर्मला रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सोनम अपनी नई सौतेली सास के लिए आरती की थाल लाती है और उसकी आरती उतारती है। लेकिन अब कहानी पलट चुकी थी। जहां सोनम सब पर हुक्म चलाती थी, वहां अब चंद्रिका सब पर हुक्म चलाने लगी। आ बहुरानी, कहां चली सच सवर के? क्यों, आपसे मतलब? और वैसे भी मैं आपको अपनी सास नहीं मानती, क्योंकि आप मेरी सगी सास की सौतन हो। अच्छा जी, जरा घर के बाहर कदम रख के तो दिखा, नहीं तुझे दिन में तारे दिखा दिए ना तो मेरा नाम भी चंद्रिका नहीं। मैं एक कुश्ती पहलवान के परिवार से आई हूँ। एक मिनट नहीं लगेगा, पूरे गांव की औरतें आकर तुझे धोबी पछाड़ कर देंगी। अब ये सुनकर तो सोनम डर जाती है। क्या? अब चुपचाप से सारे घर का काम कर, छप्पन भोग बना, पूरे घर को साफ कर, छत पे पापड़ सुखा, और बाजार जाकर राशन और सब्जियां भी ला देना लगे हाथ। इतना सारा काम? हाँ तो? अब कोई आना कानी ना करना, चुपचाप फटाफट से सारा काम निपटा देना। हाँ ठीक है। सोनम घर का सारा काम करती है और अपनी नई सास चंद्रिका की सेवा में जुट जाती है। चंद्रिका उसे अपने इशारों पर नचाना शुरू करती है। बस अब और साफ सफाई नहीं होती मुझसे, हे भगवान बचा लो, ये कौन सी नई आफत आ गई घर में, मेरा तो जीना दुश्वार हो गया है। इससे अच्छा तो मेरी पहले वाली सास ही थी, निर्मला मम्मी जी की ही इतनी सेवा करी होती तो एक वक्त पे वो भी चल जाता। निर्मला और चंद्रिका दोनों सौतन जब जब घर में आमने सामने आती तो वो बहू के सामने एक दूसरे से बात तक नहीं करती। चंद्रिका गोपालनाथ, ऋषि और निर्मला से ठीक से पेश नहीं आती। चंद्रिका जी, मुझे टीवी का रिमोट दे दो ना, मुझे मैच देखनी है। नहीं, मैं नहीं दूंगी। फिलहाल सास और बहू दोनों की कहा सुनी हो रही है, मुझे ये सीन देखना है। अरे लेकिन मेरी मैच भी तो इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा ना, ये कैसा लड़का है आपका गोपालनाथ जी, ढीठ है एकदम और तमीज भी नहीं है, मुझे आंटी चंद्रिका जी कह रहा है।
होगी भी कैसे, जब माँ ही ऐसी है तो। और बहू तो बस पूछो ही मत, बहू तो एंटिक पीस है बिल्कुल। अपने और अपने परिवार की बुराई सुनकर सोनम गुस्से से बोल पड़ती है, ओ चंद्रलोक से आई हुई चंद्रमुखी चंद्रिका, अपनी जुबान को ना जरा काबू में रखो समझी। एक तो मेरे नाक में दम कर रखा है काम करवा करवा के, ऊपर से मेरे परिवार से इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। आज से मैं तुम्हारा कहा हुआ कोई काम नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपनी निर्मला मम्मी जी का ही कहना मानूंगी। मम्मी जी आई लव यू, छप्पी पाओ आओ। तभी सभी हंसने लगती हैं और सोनम ये देखकर सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ, आप सब हंस क्यों रहे हो? बेटा मैं कोई तेरी सास की सौतन नहीं बल्कि तेरी मौसी सास हूँ, यानी कि निर्मला की बहन, और ये सब तो एक नाटक था। ये सुनते ही सोनम की होश उड़ जाते हैं। तुम्हें ये अंदाजा दिलाने के लिए कि तुम कितनी गलत थी। हमें पता था कि तुम में भी दिल है और वक्त आने पर वो दिल भी बोले और तुम्हारा घमंड और अकड़ पीछे छूट जाए। आई एम सो हैप्पी कि तुमने अंत में मम्मी को चुना और तुम्हें हमारी कीमत महसूस हुई। सोनम भावुक हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए और शुक्रिया, इस नाटक के जरिए ही सही लेकिन मुझे सबक तो सीखने मिला। अब मैं मेरी सास, मेरे ससुर या मेरे पति तो क्या, किसी के भी साथ बदसलूकी और टेढ़ेपन से व्यवहार नहीं करूंगी, हर किसी के साथ खुशी से और प्यार से रहूंगी। इस तरह सोनम सुधर जाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है।